से हालात लग रहे हैं, अगर ये बारिश कंटिन्यू होती है तो रात को सोए सोए डूब जाएंगे और ये प्रशासन जिम्मेदार होगा, जम्मू कश्मीर का एलजी प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार होगा लोगों की मौतों का। और यूईडी डिपार्टमेंट के खिलाफ हम कोर्ट के थ्रू उसके चीफ इंजीनियर और एससी और एक्सएम के खिलाफ पर्चा लगाएंगे। इनको हमने प्रेस के माध्यम से अपील करी है। हम आपसे कोई सोना चांदी नहीं मांग रहे, कोई नौकरी नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं इस पुल को तोड़वा दो। आपका प्रशासन नीचे जो है ये डिसीजन लेने में असमर्थ है। यहाँ पे चीफ इंजीनियर आता कहता मैं डिसीजन नहीं ले सकता, हमें जब तक कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं मिलेगा हम तब तक तोड़ नहीं सकते। चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, एससी पीडब्ल्यूडी, एक्शन पीडब्ल्यूडी, हम पूछना चाहते हैं कि कितना फंड चीफ सेक्रेटरी साहब ने दिया डीसिल्टिंग के लिए और कितना लगा और वो कहाँ लगा। देखे सवेरे 10 बजे से ये लोग यहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ 10 बजे से परेशानी है। 10:30 बजे फ्लड आ गया, 10 बजे बात ही करी मैंने पूनम जी से, कमलेश जी से और सुमन जी से और बाकी बहनों से कि मुझे लग रहा है फ्लड ना आ जाए तो आप संभालो। 10:30 बजे फ्लड आ गया, उसके बाद से ये सारे लोग यहाँ पर हैं। कोई गिर गया, इनके पाँव से सांप गुजर के जा रहे हैं। आप मुझे बताओ कि किसके लिए प्रशासन इंतजार कर रहा है, कोई मौत होगी तो ये पुल तोड़ने आएंगे। एक वजह है इस फ्लड की, जो सबसे बड़ी वजह है वो है ये पुल जो जीवन नगर से नरवाल को बीच में जोड़ता है, ये बड़ा। और इसको नरवाल और जीवन नगर में अनेकों पुल हैं, ये नहीं है कि ये इस पुल के बाद हमारी कनेक्टिविटी टूट जाएगी, बहुत सारे पुल हैं। मैं एलजी साहब को, अतुल डुल्लू साहब को ये अपील करना चाहूँगा कि जनाब आपका प्रशासन नीचे जो है ये डिसीजन लेने में असमर्थ है। यहाँ पर चीफ इंजीनियर आता कहता मैं डिसीजन नहीं ले सकता, हमें जब तक कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं मिलेगा हम तब तक तोड़ नहीं सकते। चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, एससी पीडब्ल्यूडी, एक्शन पीडब्ल्यूडी, एसडीएम यहाँ खड़ा, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो हमारे पास भेजने के लिए बजाय आप कोई फैसला लें, वो अनाउंसमेंट करने आए। हमारी, हम कोई पागल नहीं है, हम सवेरे से यहाँ पर बैठे हैं, किसी ने खाना नहीं खाया अभी तक। अभी एक, अब क्या कहूँ, हमारी एक ये बहन पत्रकार, ये एक बिस्किट दिया इसने तो हमने किसी ने खाया, वरना हम खा ही नहीं रहे। वो खुद बेचारी सवेरे से, उसने नहीं खाया होगा। हम ईमानदारी से कह रहे हैं, किसी ने अनाज का दाना मुंह में नहीं डाला। सारा अनाज जो घर में पड़ा था, चाहे वो आटा चावल चीनी दालें जो थी, वो फ्लड से तैर रही हैं, गंदा हो गया सारा कुछ, बिस्तर डूब गए हैं, कपड़े नहीं है बच्चों को पहनने के लिए, बहनों के और भाइयों के पहनने के कपड़े सारे गीले हो चुके हैं। आप सोचो एक बार अंदर जाके तो देखो, ये मेरे घुटने तक तो वहां पे गार्बेज जम है लोगों के घरों में। अभी जो पिछला फ्लड आया उसका गंद अभी साफ नहीं हुआ, ये नया फ्लड आ गया आज सवेरे, और ये रुकेगा नहीं। जैसे हालात लग रहे हैं, अगर ये बारिश कंटिन्यू होती है तो रात को सोए सोए डूब जाएंगे और ये प्रशासन जिम्मेदार होगा, जम्मू कश्मीर का एलजी प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार होगा लोगों की मौतों का। और यूईडी डिपार्टमेंट के खिलाफ हम कोर्ट के थ्रू उसके चीफ इंजीनियर और एससी और एक्सएम के खिलाफ पर्चा लगाएंगे। इनको हमने प्रेस के माध्यम से अपील करी है, लोगों ने इनको मिलकर बोला है, आजाद नगर के लोगों ने इनको फोन कर करके बोला है, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रहेंगी। ये यूईडी डिपार्टमेंट का पहला फर्ज है कि नालों की डीसिल्टिंग करे बिफोर मॉनसून सीजन। और हमने अपील की है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बताऊंगा, इस बार इनकी हुई नहीं क्या? नहीं हुई, गंद 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 का सारे नाले ऐसे पड़े हैं। हम पूछना चाहते हैं कि कितना फंड चीफ सेक्रेटरी साहब ने दिया डीसिल्टिंग के लिए और कितना लगा और वो कहां लगा। अगर कोई घपला पाया जाता है तो इनको तो सूली पे टांगना चाहिए। ये हमारे बच्चों का ये हाल करेंगे, ये हमारे लोगों का ये हाल करेंगे। और कोई नेता आगे कहता है यहाँ पे 2 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गया, 10 करोड़ से नीचे पुल नहीं बनेगा, 2 करोड़ अपने चाटने, हमारे जख्मों पे मरम लगाने आए, नमक लगाने के लिए मत आए कोई यहाँ पर। और 2 करोड़ का मसला नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे 10-12 करोड़ का ये पुल बनेगा, 4-4, 5-5 करोड़ के आगे पुल बनेंगे। हमें पिलरलेस ब्रिज चाहिए जो फ्री फ्लो ऑफ फ्लड वाटर रोके ना, जो रोकेगा वो उससे फ्लड पैदा होता है। और मैं ये समझता हूं कि हमारी हाथ जोड़ के बेनती है, हम आपसे कोई सोना चांदी नहीं मांग रहे, कोई नौकरी नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं इस पुल को तोड़वा दो। बनाना आप 6 महीने बाद लगा डालो उसको, आप एक्सपीडाइट करो उसको, आप इसको प्रायोरिटी पे रखो, साथ ही साथ बनाना शुरू करो, टेंडर करो उसका, प्रायोरिटी करो आप इसको फिक्स। मैं भूपिंदर कुमार जी जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, आपके माध्यम से उनको भी अपील करूंगा, हाथ बांध के बेनती करूंगा सभी बहनों भाइयों की तरफ से जीवन नगर के जनाब। और दूसरा,
जितने नाले हैं जनाब, जब तक नाले पक्के नहीं होंगे और फ्लड फ्री नहीं होगा, फ्लो उनका नहीं फ्री होगा फ्लड वाटर का, तब तक ये स्मार्ट सिटी नहीं बन सकती। सिर्फ अप्सरा रोड को पत्थरों से सड़क बनाने से या किसी इलेक्ट्रिकल पोल्स के ऊपर रात को वो लाइटिंग लगाने से या पुल के नीचे लाइटिंग लगाने से ये स्मार्ट सिटी नहीं बनती है। चार बोर्ड लगाने से स्मार्ट सिटी नहीं बनती है। स्मार्ट सिटी बनेगी जब नाले साफ होंगे और लोगों के घरों में फ्लड के साथ कोई नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद।